यूपी के गाजियाबाद में थाना सिराही गेट क्षेत्र अंतर्गत राकेश मार्ग पर सफारा व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मारने और लूट का प्रयास करने की सनसनीखेज घटना का पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें कि थाना सिराही गेट पर पुलिस और स्वास्थ्य टीम के द्वारा दो साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, वहीं इनके कब्जे से घटना में युक्त स्कूटी बरामद किया गया। 7 तारीख को राकेश मार्ग सियानी गेट थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के यहाँ लूट का प्रयास करा गया था, जिसमें ज्वेलर को गोली मारी गई थी। ज्वेलर उसमें बिल्कुल सेफ है। इसके बाद ही सियानी गेट थाना एसपी क्राइम की टीम और बाकी जनपद की स्वाट टीम लग गई थी। इसमें हम लोगों ने दो लोगों को सक्सेसफुल गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना में जो गिरफ्तार करे गए उनका नाम कासिफ और हिदायत आगा हैं, जो कि वर्तमान में ब्रह्मपुरी दिल्ली में रह रहे हैं, जो कि उस्मानपुर थाना में पड़ते हैं। ये लोग मूल निवासी साखनी गांव जहांगीराबाद थाना बुलंदशहर के हैं। इसमें एक व्यक्ति जो इनके साथ घटना में था उसका नाम जुरियत है, ये भी ब्रह्मपुरी का रहने वाला है, ये भी वांछित है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इन्होंने 6 तारीख को आके इसकी रेकी करी थी और उन्होंने ये पाया कि ये दुकान बिल्कुल आइसोलेटेड है और यहाँ पे आसपास कोई और ज्वेलर की दुकान नहीं है, और उसके बाद ही इन्होंने इसको प्लान करके अंजाम दिया। ये घटना को अनावरण के लिए हमने सीसीटीवी की काफ़ी फुटेजेस की टीमें लगा रही थी और इसमें हमने बुलंदशहर तक इसको ट्रेस करा था। उसके बाद में दिल्ली पुलिस की मदद के साथ हम लोगों ने इसमें इनको सक्सेसफुल गिरफ्तार